क्या आपने कभी सोचा है कि रिपब्लिक डे परेड के दिन दिखने वाली झांकियों को आखिर कैसे चूज किया जाता है? अगर नहीं, then this video is for you. दोस्तों, इस सिलेक्शन प्रोसेस को स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जहां स्टेज वन में पार्टिसिपेंट्स अपने डिजाइन ब्लूप्रिंट्स इवैल्यूएशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजते हैं। स्टेज टू में मिनिस्ट्री की एक कमेटी पार्टिसिपेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठकर उस ब्लूप्रिंट में मॉडिफिकेशन सजेस्ट करती है और काफी प्रपोजल्स इसी स्टेज पर रिजेक्ट हो जाते हैं। स्टेज थ्री में अप्रूवल के बाद इन मॉडल्स को बनाने के लिए भेज दिया जाता है और कमेटी इन मॉडल्स के बनने के दौरान भी चेंजेस कर सकती है और उनका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है। इन सभी स्टेजेस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट है हर झांकी को उस पर्टिकुलर रिपब्लिक डे की थीम को फॉलो करना। लास्टली, इस पूरे प्रोसेस में यंग डिजाइनर्स को इंक्लूड करने और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट करने पर भी काफी फोकस किया जाता है। अब आप मुझे इस साल की रिपब्लिक डे थीम बताइए और इस रील को भी जरूर शेयर कीजिए।